बड़ी खबर है लाहौल स्पीति से, जहां पर पहाड़ियों में हिमस्खलन हुआ है। शूलिंग गांव के नजदीक पहाड़ियों में हिमस्खलन हुआ है। चंद्रा नदी के वाम तट की पहाड़ियों में ये एवलांच की घटना और हिमस्खलन से बर्फ का गुब्बार उठा है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और इस बार देखा यह जा रहा है कि मौसम में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया गया है। और इस बार लाहौल स्पीति में जिस तरह से मार्च के महीने में मौसम बदलता नजर आ रहा है, उसको लेकर मौसम विज्ञानी भी सकते में आ गए हैं, क्योंकि अब जिस तरह से इस मौसम में भी हिमपात हुआ है, उसके बाद प्रयास इसी बात के लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि एवलांच की स्थिति बने, हिमस्खलन की स्थिति बने। दरअसल होता यह है कि मार्च के महीने में गर्मी बढ़ जाती है और इस मौसम में जब बर्फ पड़ती है, बर्फ जब इकट्ठा हो जाती है, तो क्योंकि गर्मी है इसलिए बर्फ का फिसलना शुरू हो जाता है, बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है। और जब अचानक से बर्फ का पहाड़ चल पड़ता है, तो इसे ही एवलांच यानी कि हिमस्खलन कहा जाता है। रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता प्रेमलाल का। प्रेमलाल, जिस तरह से एवलांच की स्थिति यहाँ बनी है, एक तो पहले से कहा जा रहा था कि गर्मी बढ़ रही है, एवलांच आ सकता है, राहत की बात यह है कि चलिए कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कितना नुकसान? जी बिल्कुल, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि नुकसान है, क्योंकि ये जो बस्ती है उसके जो है दूसरी तरफ जो चंद्रा नदी है उसके पहाड़ियों में से ये हिमस्खलन की घटना आज पेश आई है। तो यहाँ पर इस पहाड़ी में किसी प्रकार की जो बस्ती नहीं है, तो कोई भी नुकसान जो है फिलहाल जाने वाली का नुकसान जो है नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जो बर्फ का गुब्बार जो है वहाँ हिमस्खलन के चलते उठा है, तो इसमें जो है काफी दूर दूर तक जो जो आसपास की जो बस्तियां हैं तो वहां तक पहुंच गई थी, तो काफी लोग थोड़ा सहम गए थे। लेकिन ये गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जानी माली नुकसान नहीं हुआ। ये अप्रैल या मार्च के महीने में इस तरह की घटना जो आम तौर पर देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है ये एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर से तीन चार दिनों से जो पहाड़ियां थी ऊपर जो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही थी, तो आज मौसम जो यहाँ पर साफ हुआ है, तो ऐसे में जो है आज एकदम से जो है हिमस्खलन की घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलाल, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है दर्शकों तक। तो लाहौल स्पीति ये इलाका है जहां पर एवलांच का खतरा वैसे मार्च अप्रैल में बढ़ भी जाता है, और मार्च में ये एवलांच आया है। इससे पहले भी एवलांच की कई घटनाएं यहां पर देखी गई है। गनीमत इस बात की रही है कि बस्ती से दूर, रिहायशी बस्ती से काफी दूर ये एवलांच आया है, नदी के उस पार आया है। ऐसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी डर इस बात का है कि कहीं और ज्यादा एवलांच ना आ जाए, क्योंकि एक तो गर्मी बढ़ रही है और इसी बीच बर्फबारी भी हाल ही में हुई है।